तुम ना कभी नहीं समझोगे, भोंदू के भोंदू रहोगे। मेरे बाबा ने एक बार एक कहानी सुनाई थी। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो विष्णु जी ने एक किसान का नाम लिया जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। नारद को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया कि मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ, तो फिर वो कैसे? तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक काम दिया। उन्होंने कहा कि आप एक कटोरा लीजिए और उसमें पानी भर के पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा लेकिन ध्यान रहे कि पानी के उस कटोरे में से एक बूंद भी पानी की जमीन पर ना गिरे। तो नारद जी जब 3 दिन बाद चक्कर लगा के आए तो विष्णु जी ने उनसे पूछा कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? तो नारद जी ने कहा कि मेरा सारा ध्यान तो पानी के कटोरे में था कि उसमें से पानी की बूंद ना गिरे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यही तो समझाना चाहता हूं मैं कि जो इंसान पूरी निष्ठा से मेरी भक्ति करता है वही मेरा सबसे अच्छा भक्त है और वही मेरा सबसे सच्चा भक्त है। हाँ समझे कि समझाऊं, भोंदू कहेंगे।